Hello everyone, welcome back to my channel The Girl Next Door and thank you for watching this video. And since Eid aane wala hai and everyone must be prepping up for Eid, right? Outfits, makeup and what kind of makeup to do. So main sochi ki ek Eid makeup look main create kari for you guys. I've created and came up with this makeup look. Ye thoda matching hai mere outfit ke hisab se, where there are some green tones ekdam similar lage, but you can actually mix and match the colors that you have in your outfit and then create a similar makeup look. Ye bahut hi simple yet glammed up look hai because it has shimmers and matte. So before getting into this video, please take a moment and subscribe to my channel. Do hit the like button if you love watching my videos and do leave a comment down below. And now let's get quickly into this video. तो मैंने अपना फेस अच्छे से प्राइम अप कर लिया है. यू कैन यूज मॉइस्चराइजर, सीरम्स एंड अपने लिप्स को भी अच्छे से प्राइम कीजिएगा विद द लिप बाम. एंड नाउ फर्स्ट आई विल अप्लाई अ प्राइमर एंड आई एम यूजिंग द लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर. सो यूजुअली एक ही प्राइमर है मेरे पास एंड आई यूजुअली यूज दिस एंड इट वर्क्स क्वाइट वेल. सो अ वेरी गुड प्राइमर. सो आई टेक दिस मच एंड मैं अच्छे से अपने नोज के आसपास एंड थोड़ा फोरहेड एंड चिन के आसपास अच्छे से लगा दूंगी. So that अच्छे से blur हो जाए. Did you see it really blurred out the pores and gave me a very smooth base. So इससे application बहुत smooth होगा and the base will look really perfect and nice. So next foundation लगाएंगे and foundation के लिए I'm using the Wet n Wild Photo Focus foundation. This is how it looks and I'm in the shade golden beige. So मैं थोड़ा सा हाथ में ये foundation लूंगी. I don't want to make this a very heavy base makeup look. This much and मैं इसके साथ Swiss Beauty का Pearl Illuminator makeup base apply करूंगी. This is the one that I'll be using and इसका shade है golden pink. ये बहुत ही अच्छा glowy effect देता है. थोड़ा सा इसके साथ apply करूंगी. एक ही drop लिया है मैंने and then मैं इसको अच्छे से mix कर लूंगी foundation के साथ. Foundation के साथ mix करने के बाद मैं dot करके अपने सारे face में foundation लगा लूंगी. तो मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया. इतना सा मैं जस्ट बेस को अच्छे से एक इवन टोन लाने के लिए ये बेस अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट अ हैवी बेस. दैट्स इट. अच्छे से हेयरलाइन के यहाँ पे भी ब्लेंड कीजिएगा सो दैट एक डिस्टिंक्शन ना हो कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया है. यहाँ पे एकदम समझ में आता है अगर आप अच्छे से ब्लेंड ना करें एडजस्ट में. सो दिस इज इट. इतना ही बेस बहुत ज्यादा काफी है क्योंकि एक सिंपल ग्लैम ईद मेकअप लुक है. सो आई वुड प्रेफर दिस मच बेस. अब आई मूव ऑन टू अप्लाइंग कंसीलर. अब पहला जो कंसीलर अप्लाई करेंगे वो एकदम आपके स्किन टोन के हिसाब से होना चाहिए या फिर थोड़ा सा डार्क और ऑरेंज शेड में. दैट इज द बेस्ट यू कैन. सो ये एल ए गर्ल प्रो कंसीलर जो है ये शेड मेरे शेड से एक शेड डार्क है. प्लस इसमें थोड़ा पीच अंडरटोन्स है सो ये बहुत अच्छे से डार्क सर्कल को कैंसल आउट कर लेता है एंड इट हाइड्स माई डार्क सर्कल्स रियली नाइसली. एंड आई एम इन द शेड प्योर बेज. थोड़ा सा बस इनर कॉर्नर में एंड आउटर कॉर्नर में एंड देन थोड़ा सा अपर आईलिड में. Okay, तो मैं कंसीलर अपने फिंगर से ही ब्लेंड करना पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से स्मूथली ब्लेंड होता है. सो आई विल यूज माई फिंगर्स ओनली. जस्ट डैब मोशन में फिंगर्स से ब्लेंड कीजिएगा. Did you see the difference? ये बहुत अच्छे से डार्क सर्कल को हाइड करता है एंड पूरा डार्कनेस को कैंसिल आउट कर देता है. अच्छे से डार्क सर्कल्स कवर हो गया है. नाउ आई विल सेट इट यूजिंग अ लूज पाउडर. आप लोग कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हैं लेकिन आई प्रेफर यूजिंग अ लूज पाउडर एंड आई यूज द मेबलिन फिट मी लूज पाउडर इन द शेड 15 लाइट. टेकिंग अ ब्रश एंड देन सेटिंग इट जहां पे भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है ताकि वो एकदम भी स्मज ना हो एंड क्रीज ना हो. ऑल्सो सिंस हम लोग ने बेस किया है आई विल जस्ट सेट इट यूजिंग अ बफिंग ब्रश क्योंकि ऑफकोर्स फाउंडेशन लगाया है तो उसको सेट करना ही पड़ेगा वरना क्रीज हो जाएगा. ओके ग्रेट. अभी बेस हो चुका है. लेट्स मूव ऑन टू आईज. मेरे को पता नहीं है आईज में क्या करना है बट लेट्स सी व्हाट इट लुक्स एंड टर्न्स आउट. एंड आई एम वेयरिंग अ वेरी पेस्टल ग्रीन कलर का कुर्ता एंड इट हैज लाइक सिल्वर डिटेलिंग. सो आई ट्राई एंड क्रिएट समथिंग जो मेरे आउटफिट को मैच करे, समथिंग इन ग्रीनिश या सिल्वरिश एंड थोड़ा सा गोल्डनिश टोन में.
आईज के लिए आई एम यूजिंग द कफ्स एंड लैशेस का एनचैंटिंग पैलेट. तो ये मैं पहली बार यूज कर रही हूँ. दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स. बहुत ही प्रिटी है एंड इसमें बहुत प्रिटी प्रिटी कलर्स है. इट हैज लाइक प्रेस्ड ग्लिटर शेड्स एज वेल. दीज आर द शेड्स. बहुत सारे कलर्स है. कलरफुल करो या न्यूड करो, बहुत प्रिटी प्रिटी कलर्स है. लेट्स सी क्या करते हैं. फर्स्ट क्रीज में अप्लाई करने के लिए मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, दिस लाइट ब्राउन शेड. एंड अगेन आई एम यूजिंग द कफ्स एंड लैशेज इनटू शाई स्टाइल्स का CS02 ब्रश. मैंने इसका पूरा आई सेट खरीदा था एंड द आई शैडो ब्रशेज आर रियली नाइस. इट इज बेसिकली अ कोलैबोरेशन बिटवीन निधि कटियार एंड शाई स्टाइल्स. मेरे को ये ट्राई करना था सो दैट इज वाई आई बॉट द सेट ऑफ दिस आई शैडो ब्रशेज. एंड इसमें 9 आई शैडो ब्रशेज आते हैं. बहुत सॉफ्ट है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. आई थिंक should definitely give these brush set a try. Dusting off the excess and then applying. अच्छे से क्रीज में अप्लाई करके ब्लेंड करना. ओके, सो अभी थोड़ा कलर्स अप्लाई करते हैं आई शेडो में. सो मैं आउटर कॉर्नर में ये लाइट ग्रीन कलर जो है वो अप्लाई करूंगी, क्योंकि थोड़ा ग्रीनिश टच चाहिए मेरे को. सो इसलिए मैं थोड़ा सा ये लाइट ग्रीन कलर पिक करूंगी. डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड देन अप्लाई इट ऑन द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आई. थोड़ा थोड़ा कलर लेके डिपॉजिट करना ताकि कलर एक्सेस ना लगे. ज्यादा बाहर नहीं लेके जाऊंगी, बस आउटर कॉर्नर में लग के अप्लाई करूंगी. सो उतना पिगमेंटेड नहीं है आई शेडोज, बट अगेन बिल्डेबल है. यू कैन एक्चुअली स्लोली बिल्ड अप द कलर. बस इतना सा ही अप्लाई करूंगी एंड थोड़ा सा नीचे भी लेके आऊंगी, विच इज माई लोअर लैश लाइन. अब नेक्स्ट आई विल अप्लाई दिस ब्यूटिफुल सी ग्रीन कलर का जो ग्लिटर है. दिस इज अ ग्लिटर आई शेडो. आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई इसे, बहुत ही ज्यादा प्यारा है. आई जस्ट अप्लाई ऑन टू द इनर कॉर्नर एंड मैं ये फिंगर से ही पिक कर रही हूँ ताकि डिपोजिशन ज्यादा पिगमेंटेड हो. ऐसा कलर है, बहुत प्रिटी सी ग्रीन कलर है. एंड हल्के से लाइटली आई अप्लाई ऑन टू द इनर साइड ऑफ माई आई. स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर कॉलर, थोड़ा सा हल्के हाथों से आई विल कीप ऑन अप्लाइंग. ग्रेट, आई डोंट वॉन्ट एनी अदर पिगमेंट, इतना सा काफी है. नाउ एक स्मॉल डोम शेप ब्रश लेके ये जो लाइट ग्रीन कलर हमने अप्लाई किया था, थोड़ा और अप्लाई करेंगे इनर साइड में ताकि वो ग्रीन ग्लिटर भी एकदम ब्लेंड हो जाए. नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा गोल्डन शिमर अप्लाई करेंगे. आई हैव पिक्ड अप दिस गोल्डन शिमर अगेन मेरे फिंगर में एंड थोड़ा सा बस येलो ऑफ द आई में अप्लाई करेंगे. दैट्स इट. और यहीं पे ब्लेंड कर देंगे. दैट्स इट. वापस से मैंने एक छोटे ब्लेंडिंग ब्रश में बस सेम लाइट ग्रीन कलर लिया है एंड अप्लाई इट ऑन टू द इनर कॉर्नर ऑफ माई आई टू हाईलाइट इट विथ दिस कलर, जस्ट पॉप ऑफ कलर के लिए. नेक्स्ट एक आई लाइनर ड्रॉ करूंगी, बट आई विल यूज दिस डार्क ब्राउन शेड यूजिंग एन एंगल्ड ब्रश. आई विल पिक दिस शेड एंड यूजिंग दिस ब्राउन आई शेडो अच्छे से एक विंग आईलाइनर लाइन क्रिएट करूंगी. सेम ब्राउन आई शेडो मैं लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई करूंगी एंड लास्टली टू फिनिश इट ऑफ मैं लोअर लैश लाइन में भी ये ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ बस हल्के हाथों से. एंड थोड़ा सा शिमर ऐड करूंगी आउटर कॉर्नर ऑफ द आई में. जो गोल्डन आई शेडो हैलो में थोड़ा सा अप्लाई किया था वो इनर कॉर्नर में भी अप्लाई करूंगी जस्ट टू गिव दैट शाइन. आई विल अप्लाई मस्कारा. आई एम यूजिंग द हाइपरकल मस्कारा फ्रॉम मेबेलिन. आप लोग कोई भी मस्कारा यूज कर सकते हैं. बहुत अच्छे से मस्कारा अप्लाई कीजिए. नाउ थोड़ा सा वाटर लाइन में व्हाइट कलर का काजल अप्लाई करूंगी ताकि बहुत अच्छे से आईज पॉप आउट हो जाए एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली प्रिटी एंड माई आई मेकअप इज कम्प्लीट. द आई मेकअप लुक्स एब्सोल्युटली प्रिटी एंड इतना सा काफी है बिकॉज आई थिंक एवरी वन वुड बी अगेन सेलिब्रेटिंग ईद बट बहुत ही अच्छे से बिकॉज कोविड रिस्ट्रिक्शंस नहीं. सो ऑफकोर्स यू माइट बी हैविंग ईद पार्टीज राइट. सो ये लुक बहुत ही अप्रोप्रिएट है फॉर हाउस पार्टीज ड्यूरिंग ईद. बहुत ही प्रिटी लगेगा. एंड नाउ आई विल क्विकली डू माई आईब्रोज. एंड आईब्रो के लिए आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी आईब्रो पेंसिल. आई एम इन द शेड डार्क ब्राउन 102. जस्ट फिलिंग आउट द गैप्स बिकॉज ऑलरेडी मेरे आईब्रोज काफी थिक है. सो आई विल जस्ट फिल द गैप्स ताकि बहुत ही अच्छा शेप मिल जाए मेरे आईब्रो को एंड इट लुक्स एब्सोल्यूटली परफेक्ट.
जो स्पूली आता है बैक ऑफ दी आईब्रो पेंसिल से, मैं अच्छे से इसको ब्लेंड आउट कर लूंगी ताकि कोई भी डिपॉजिट्स ना रह जाए, अच्छे से पूरा आई शेडो ब्लेंड हो जाए। थोड़ा सा कॉन्टोर करूंगी अपने फेस को, जस्ट द जॉ लाइन एंड द चीक बोन एरिया। सो आई एम यूजिंग द कॉन्टोर फ्रॉम शुगर, दिस इज हाउ इट लुक्स एंड इट इज इन द शेड 02 वुडी वंडर, ओनली वन कॉन्टोर शेड आई हैव। सो जस्ट थोड़ा सा कॉन्टोर अप्लाई करूंगी, मैं ब्लश अप्लाई करूंगी एंड गेस व्हाट, आई एम यूजिंग द सेम आई शेडो पैलेट एज अ ब्लश अप्लाई करने के लिए। सो आई यूज दिस वेरी पिंक शेड, एकदम ज्यादा कलर नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा डिपॉजिट करके पिंक ब्लश अप्लाई करना है। हाइलाइटिंग के लिए आई एम यूजिंग द मास्टर स्ट्रोबिंग क्रीम फ्रॉम मेबलिन, ये बहुत ही सटल ग्लो देता है, बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करना होता है चीक बोन्स पे एंड देन जस्ट ब्लेंड इट आउट। आई विल जस्ट अप्लाई इट इन डॉट्स एंड देन इसको हल्के हाथों से ही ब्लेंड करना है। दिस इज द ग्लो दैट यू गेट। आई डोंट वॉन्ट टू यूज अ पाउडर हाईलाइटर, सो दैट्स वाई मैं ये थोड़ा सा सटल हाईलाइटर यूज कर रही हूँ on the nose as well. It is very much blendable and आपको कोई ब्रश की जरूरत भी नहीं है, ईजीली आप लोग हाईलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा क्यूपिड्स बो एंड चिन पे भी, परफेक्ट। लास्ट लिपस्टिक अप्लाई करूंगी एंड फॉर द लिपस्टिक आई विल यूज द नायका अल्ट्रा मैट लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड 06 डायना। ये बहुत ही एक मॉवी पिंकिश शेड है, बहुत प्रिटी शेड है, डार्क लिपस्टिक इस लुक पे सूट नहीं करेगा, सो दैट्स आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली टोन डाउन द कलर, बहुत ही सटल पिंक कलर चाहिए मेरे को एंड दिस इज द लुक दैट यू कैन क्रिएट फॉर योर ईद पार्टी एज वेल। सो दिस इज माई फाइनल लुक। सो मैंने थोड़ा सा ज्वेलरी पहना है, ट्राई टू डू अ हेयर स्टाइल एंड थोड़ा सा बिंदी लगाया है। लेट मी नो आप लोग को ये लुक कैसा लगा, ये बहुत ही सिंपल ये ग्लैम लुक है, आप लोग कोई भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स से ये लुक क्रिएट कर सकते हैं, इट एब्सोल्युटली टर्न आउट प्रिटी। अगर आपको डार्क लिपस्टिक पहनना है तो आप लोग वो भी पहन सकते हैं, इट विल लुक सो गॉर्जियस। Let me know आपको ये लुक कैसा लगा एंड डू यू वॉन्ट मी टू क्रिएट सच लुक्स इन द फ्यूचर। Until then, we'll meet for the next video. Bye guys.